हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 22-23 अगस्त को रात को मौत हो गई थी। सोनाली की मौत के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उनकी मौत के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सोनाली की संपत्ति के बारे में कई बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सोनाली की संपत्ति करीब 1100 करोड़ की थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 1100 करोड़। आरोप है कि इस संपत्ति को हड़पने के लिए उनके पीए ने उनकी हत्या की थी, यानी कि सुधीर सांगवान ने उनकी हत्या की थी। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाली को आदमपुर सीट का टिकट दिया गया था। उसी समय सोनाली के चुनाव आयोग के सामने हलफनामा पेश किया गया था, जिसमें उनकी संपत्ति में जमीन, कैश बैंक और जमा रकम और लाखों के जेवर शामिल थे। मान्यता वेबसाइट के अनुसार साल 2019 के हलफनामा में सोनाली ने बताया कि उनके पास 12 लाख कैश थे। उनके बैंक अकाउंट में 5,11,640 रुपये जमा थे। इसके अलावा 50 तोला सोना समेत 19,25,000 रुपये के गहने भी थे। हलफनामे के अनुसार उस समय उनके पास कोई कार नहीं थी। और आपको बता दें कि सोनाली के पास हिसार में एक फार्म हाउस भी है। जानकारी के मुताबिक सिरसा रोड और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच ढोंडोर गांव में सोनाली की 13 एकड़ जमीन है। इसके अलावा सोनाली का 6 एकड़ में फैला हुआ एक रिजॉर्ट और एक फार्म हाउस भी है। आपको बता दें कि सोनाली की 13 एकड़ जमीन की कीमत करीब 96 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 96 करोड़। और उनके एक फार्म हाउस की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संतनगर में सोनाली ने नाम कुछ दुकानें हैं जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही हैं। इसके अलावा फिलहाल सोनाली के पास 3 गाड़ियां भी हैं। और आपको बता दें कि सुधीर पर शक इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि कुछ दिनों पहले पता चला था कि सोनाली और सुधीर ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 में एक फ्लैट भी किराए पर लिया हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर और सोनाली 22 अगस्त को इसी फ्लैट से गोवा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर गए थे। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि फ्लैट के रेंट एग्रीमेंट में लिखा था कि यहाँ सुधीर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और पत्नी के तौर पर उसने बकायदा सोनाली का नाम भी लिखा हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोनाली और सुधीर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे? और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, ज़रा सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।